हेलो फ्रेंड, आपके लिए मैंने आज एक बहुत ही स्पेशल टाइप का कैमरा लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जैबोनिक्स कंपनी की कैमरा है और जिसका नाम रखा है इन लोगों ने आईपी फिश आई। ये एक्चुअली आईपी कैमरा है और उसके साथ इस कैमरे का नाम है फिश आई कैमरा। जैबोनिक्स ने भी एक बहुत ही लाजवाब लेटेस्ट एक कैमरा लॉन्च किया है जो 360 डिग्री में फुटेज कवर करती है। जो हम लोग पहले नॉर्मली कैमरा यूज करते थे वो सब 350 डिग्री में फुटेज कवर नहीं कर पाती थी। अभी इस कंपनी ने एक ऐसा कैमरा लॉन्च किया है जो सराउंड सिस्टम में 360 डिग्री, ये एक कैमरा एक ही लेंस के अंदर 360 डिग्री की फुटेज को कवर करती है। तो ये बहुत अच्छा कैमरा मैं बोलूंगा कि उन्होंने लेके आया। और सबसे अच्छी बात इस कैमरे के अंदर ये है कि इसको चलाने के लिए आपको ना तो किसी NVR की जरूरत पड़ती है ना और किसी गैजेट्स की, सिर्फ ये कैमरा और एक 12 वोल्ट का एडाप्टर। आप इसे डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, किसी भी जगह से एक्सेस करके देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस कैमरे की है और जो बहुत ही मजेदार है, इस कैमरे के अंदर आपको वाईफाई अवेलेबल मिल जाएगा। यानी आप चाहो तो इसे अपने मोबाइल के वाईफाई से या अपने होम पे अपने जो राउटर लगा रखा है, मॉडम वगैरह जो भी, अगर आपके घर पे वाईफाई है या जियो का वाईफाई है, कोई भी वाईफाई हो, आप अपने वाईफाई से इस कैमरे को कनेक्ट करके वर्ल्ड वाइज कहीं पे भी एक्सेस करके देख सकते हो। तो ये मैं कहूँगा कि इसकी बहुत ही अच्छी फ्यूचर है जो हमें इसके अंदर मिल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, ये जेप्रोनिक्स कंपनी की फिशाई इसका नाम रखा है। ये मॉडल नंबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर किए बगैर इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सीडी मिल रही है, जैसे कि पता है इसमें सॉफ्टवेयर होगा। इसके बाद हमें एक ये कवर मिल रहा है जो हम लोग Cat6 वायर, RG वायर जो हम लोग बनाते हैं उसमें ये यूज़ होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे बनानी है, कैसे बनता है। तो ये एक मिलता है हमें। इसके अलावा यहाँ पे एक हमें एक छोटी सी एलेंकी भी मिलती है। और इसके अलावा तो फिलहाल और कुछ नहीं है। एक अलार्म सिस्टम को कनेक्टिविटी करने के लिए एक प्लग मिल रहा है। और इसके अलावा इस कंटेन में हमें जो मिला है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ये कैमरा। तो आप देख रहे होंगे कि लुक वाइज ये बहुत खूबसूरत बनाया है कंपनी ने और काफ़ी स्लिम है ये कैमरा जो है। आप देख रहे होंगे ये काफ़ी स्लिम कैमरा है और ज़्यादा वेट भी नहीं, लाइट वेट कैमरा है ये, थोड़ा क्वालिटी बेस है। और ये सीलिंग में लगने के लिए, स्पेशली सीलिंग के लिए ये कैमरे को बनाया गया है। ये 360 डिग्री में रोटेशन में ये डे नाइट दोनों विजन को कवर करता है। यहाँ पे आपको वायर दिखेंगे बहुत सारे, तो आप परेशान मत होइएगा कि इतने सारे वायर किस चीज़ के हैं, हमें इसको कैसे चलाना होगा, ये कैसे होगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, मैं इसके लिए सारे चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल बॉक्स के अंदर इतना ही है। तो ये कैसेट वगैरह मैं रख देता हूँ। तो दोस्तों, इस कैमरे में के अंदर ये जो आपको वायर दिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको ये 3.5 mm का फीमेल जैक मिलेगा। जहाँ पे आप देखिएगा अगर, तो वायर पे ही लिखा हुआ है ऑडियो इन, तो इससे आप क्लियरली हो सकते हैं यहाँ पे आपको ऑडियो इन करने के लिए एक जगह दिया गया है। और सेम 3.5 mm का जैक आपको एक और मिलेगा, जो ये भी आपको ऑडियो इन, दो ऑडियो इन का इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है। इसके साथ आप देख सकते हो कि एक डीसी डीसी करंट 12 वोल्ट का एडाप्टर इस कैमरे को लाइन देने के लिए मिला हुआ है एक जैक। यहाँ पे अलान सिस्टम को कनेक्टिविटी करने के लिए आपको एक दिया हुआ है पोर्ट। इसके अलावा एक यहाँ पे BNC पोर्ट भी दिया हुआ है, अगर आप इसे BNC से लिंकअप करके देखना चाहते हो तो BNC के लिए भी एक पोर्ट दिया हुआ है। BNC के थ्रू भी ये काम करेगा आपका। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, RJ45 का ये जैक पोर्ट। तो इसके साथ ये कैमरा, अब हम लोग देखेंगे कि इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, इसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो इस कैमरे को कनेक्टिविटी करने के लिए हमें एक 12 वोल्ट का DC अडेप्टर चाहिए होगा। और DC अडेप्टर के अलावा हमें चाहिए होगा एक पैच केबल। मैंने ये बना के ऑलरेडी अपने पास रखा है, आप चाहो तो रेडीमेड भी ले सकते हो।
या खुद से ही बना सकते हो। आप मेरे आगे के वीडियो में देखे होंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो फिलहाल हमें इतना ही चाहिए। अब हमें करना बस इतना है कि इसमें पहले तो हमको सबसे पहले कि कैमरे को इसमें डीसी करंट के थ्रू हमें पावर दे देना है, ठीक है। और उसके बाद इसे लैंड पोर्ट जो इसका है, इस लैंड पोर्ट से अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप जो भी है उसमें इसे कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैंने इसे डीसी पावर कोड से मैंने इसे अटैच कर दिया है, कैमरे को मैंने लाइन दे दिया है और RJ45 जैक लाइन केबल के थ्रू मैंने इसे अपने सिस्टम से भी कनेक्ट कर लिया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इसे कैसे यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो भी लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, हमें उसे ओपन करना है। जो यहाँ आप नेटवर्क में जाके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाइएगा, यहाँ से आपको चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाना है। चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाने के आपके बाद लोकल एरिया कनेक्शन पर राइट क्लिक करनी है। इसके प्रॉपर्टीज में आपको जानी है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP 4 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको नीचे यूज द फ्लोविंग आईपी एड्रेस पे क्लिक करना है और इस आईपी एड्रेस वाले बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक आईपी डालनी है 192.168.1. आप कुछ भी डाल सकते हो 192.168.1. यहाँ पे आप जैसे समथिंग कुछ भी, जब मैं 20 डाल दिया हूँ तो आप यहाँ पे जो भी एक आईपी आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे क्लिक करना है सबनेट मार्क्स वाले में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सबनेट मार्क्स आ जाएगा। इसके बाद आपको डिफॉल्ट गेटवे में जाना है और यहाँ पे आपको 192.168.1.1 ले लेना है और नीचे आपको परफॉर्मेंस DNS सर्वर, इसमें भी दोस्तों आपको सिम गेटवे वाली आईपी डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ से आपको कर देना है ओके ओके और यहाँ से इसे आप कट कर दीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले ये हो जाने के बाद आपको देख लेना है कि कैमरे के साथ आपके सिस्टम का या पीसी का जो भी जिसमें आपने कैमरे को लगाया है उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी कैसी है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रन खोलोगे तो आप डायरेक्टली या तो विंडो R जो इसकी शॉर्टकट की होती है, विंडोज R डायरेक्ट करके आप रन खोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है CMD दोस्तों कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपको लिखना PING पिंग स्पेस जो कैमरे की आईपी होती है, यहाँ पे आपको वो कैमरे की आईपी डालनी है। ओके फ्रेंड्स, तो इस कैमरे की आईपी है 192.168.1.168 और यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिप्लाई फ्रॉम आईपी एड्रेस यहाँ दे रहा है। तो दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे जरूर गौर करनी है कि ये जो लॉस्ट यहाँ पे आपको दिखना है ये 0% होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ 25% 50 या 100% आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी सही से नहीं हो पाई है, आप केबल गलत लगाए हो या केबल गलत पंच हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 0% होना चाहिए, लॉस्ट यहाँ पे हमेशा आपको 0% आनी चाहिए। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल सही है, तो हम इसे कट कर देंगे। और कट करने के बाद दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हमें खोलना है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के बाद हमें यहाँ पे जो अपनी आईपी थी कैमरे की 192.168.1.168 ये आईपी को यहाँ पे टाइप करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही आप टाइप करके इंटर करोगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक चीज दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अभी पे इस तरह का इंटरफेस इसलिए आया है क्योंकि मैंने इसका प्लगइन पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। जैसे ही आप ये आईपी एड्रेस डाल के यहाँ पे इंटर करोगे तो आपको इस जगह पे एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन देगा। मैं आपको किसी अनदर ब्राउजर में ये चीज दिखा देता हूँ। और एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको जो भी काम करने हैं, इसको जो भी व्यू करना है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही करना है, ये क्रोम या फायरफॉक्स वगैरह में नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही यूज करना होगा। फिलहाल मैं आपको दूसरे जगह पे दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए मैंने इस पे अभी इसे लॉगिन किया था, जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस डाला इस कैमरे का तो यहाँ पे मुझे एक नोटिस आया है, प्लीज डाउनलोड द वेब प्लग कंट्रोल्स एंड इंस्टॉल इट वेन यू लॉग इन द आईपी कैमरा इट फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको बोल रहे कि फर्स्ट टाइम अगर आईपी कैमरे को आप लॉग इन करें इस कंपनी की तो यहाँ से आपको प्लग इन डाउनलोड करना होगा। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इसको नॉर्मली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये देखिए नीचे यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है और यहाँ पे ये डाउनलोडिंग कंप्लीट भी हो गया है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से आपको रन कर देना है
और जिस तरह से नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपकी ब्राउजर फर्स्ट, तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेम वैसे ही आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाना है, आईपी एड्रेस डालनी है और एंटर करना है, और ऐसे ही आपको यहाँ पे यूजर मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इसका यूजर जो है डिफॉल्ट यूजर रहता है एडमिन, और इसकी पासवर्ड भी डिफॉल्ट एडमिन ही रहती है। तो दोनों में आपको एडमिन एडमिन टाइप कर देना है, और यहाँ पे आपको एक टिप्स देखने के लिए मिलेगा कि द करेंट पासवर्ड इज टू सिंपल, प्लीज मॉडिफाई द पासवर्ड। तो आप यहाँ से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या आफ्टर 16 मिनट्स इसे यहाँ से डिनाई भी कर सकते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा भाई, मुझे अभी नहीं करना। तो आप देखेंगे कि ये कैमरा हमारा ऑन हो चुका है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली कैमरा हमारा ऑन हो चुका है, ये मैंने इसे फुल स्क्रीन में डाल दिया। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो व्यू है ये 360 डिग्री व्यू है, आपको ये मॉनिटर में गोल सा दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हो ये पूरा गोल सा वीडियो आपको आ रहा है, ये 360 डिग्री में व्यू लेता है आप अगर इसको देख रहे हो। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा कैमरा है, मैं इसे आपको बाहर भी व्यू करके दिखा पाता बट अभी पॉसिबल है नहीं, तो मैं इसे आपको एक ओपन एरिया में ले जाके दिखाता। तो ये बहुत अच्छा कैमरा है मेरे हिसाब से, आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी फ्यूचर है इसमें, और यहाँ से आप इसे लाइव देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि ये तो लाइव देखने के लिए हो गया, कि अगर आपको अपने कैमरे को लाइव देखना है तो आप वहां से लाइव देख सकते हो, यहाँ से आप इसे स्टॉप कर सकते हो रिकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे आपने क्लिप कर दिया तो यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ से आप इसे रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, यहाँ पे अगर मैंने रिकॉर्ड के बटन पे दबा दिया तो ये रेड कलर का हो जाएगा और इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं इस पर फिर से क्लिक कर दूंगा तो ये रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगी और ये सेव हो जाएगा। यहाँ से मैं स्क्रीन शॉट ले सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसकी एक पिक्चर मेरे कंप्यूटर के ड्राइव में सेव हो जाएगी। यहाँ से मैं जूम कर सकता हूँ, यहाँ से मैं माइक को जो भी है तो बोलने के लिए ओपन टैब कर सकता हूँ, हेलो, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसके ऊपर साइड में यहाँ पे आपको मल्टीपल स्क्रीन की मिल जाएंगे फैसिलिटीज, जो भी आप अगर इसको स्क्रीन को चेंज करके देखना चाहते हैं, जैसे अभी मेरे फुल स्क्रीन में आ चुका है छोटे स्क्रीन में। और यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था वो आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिलेगा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको क्लिक करना है, और इस जगह पे जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको नेटवर्क में जानी है। नेटवर्क में जाने के बाद आपको नॉर्मली एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है, एडवांस सेटिंग के अंदर आपको ये वाईफाई का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस वाईफाई पे क्लिक करना है। और यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे ये मेरे नाम का वाईफाई शो कर रहा है, मैंने अपने मोबाइल के इंटरनेट को हॉटस्पॉट कौन कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको नाम, और अगर आपने कोई पासवर्ड डाला है तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देनी है, और नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से सेव कर देना है। अब जैसे यहाँ से सेव कर दोगे, ये वाईफाई की सेटिंग आपका सेव हो चुका है, ये सेव ले चुका है, तो यहाँ से आप फिर जाके मेन व्यू पे अपना जाके वीडियो देख सकते हो।